नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। एलईडी लाइट निर्माण करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 के रिवॉल्विंग फंड देने की घोषणा। नाबार्ड ने किया कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वित्तीय सुविधा योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। किसानों को दी उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि ऋण और आधारभूत सुविधाओं संबंधी जानकारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरू रेंज में स्थापित होगी टाइगर सफारी। 150 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। 106 हेक्टेयर में विकसित किए जाएंगे बाड़े। और कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में कल से खुलेंगे कॉलेज। हरिद्वार में कॉलेज प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन ने संभाली कमान। केंद्र और राज्य की गाइडलाइंस के तहत होगी व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के 11 उद्यमियों को परियोजना आवंटित पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एलईडी ग्राम लाइट योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को एनर्जी वॉरियर्स के रूप में सम्मानित भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऊर्जा दक्ष ग्राम के प्रधानों को भी प्रशस्ति पत्र वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी स्वयं सहायता समूहों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का अगला फोकस अपनी मां बहनों के सिर से घास लकड़ी का बोझ उतारना है। मुख्यमंत्री ने एलईडी निर्माण में लगे सभी स्वयं सहायता समूहों के लिए 50,000 के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने मंदिर के कपाट खुलने के समय और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में सजावटी कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने कार्यालयों, हेलीपैड, स्थानीय बाजारों में वोकल फॉर लोकल का प्रचार प्रसार करते हुए एक विंडो उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इनके उत्पादों को बाजार मिल सके। उत्तराखंड के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में मुलाकात की और नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अगुवाई में पहुंचे किसानों के इस दल द्वारा कृषि कानूनों का समर्थन करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने उनका धन्यवाद किया। संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहां आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वित्तीय सुविधा योजना पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 129 किसानों को योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ ज्ञानेन्द्र मणि ने बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि ऋण की आवश्यकता के साथ साथ बुनियादी संरचना का विकास होना बहुत आवश्यक है, तभी किसान नई तकनीकों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ ले सकेगा। प्रधानमंत्री का एक ड्रीम है कि सभी किसानों की आय को 2022 तक दुगना किया जाए। उसी को ड्रीम को अचीव करने के लिए राज्य सरकार ने, भारत सरकार, नाबार्ड तथा अन्य बहुत सारी एजेंसियां मिलकर साथ काम कर रही हैं। खास करके जहां तक कृषि क्षेत्र में इस को अचीव करने की बात है, उसमें अगर हम खेती का जहां तक उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, एक वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉ केसी पाठक ने बताया कि केंद्र सरकार की कृषि और संरचना निधि के तहत उत्तराखंड को 785 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसे अगले 4 वर्षों में उत्तराखंड में कृषकों और कृषक समूहों को आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि अगले 3-4 साल में इसका डिस्पर्शन किया जाएगा,
तो जिसमें उत्तराखंड को 785 करोड़ का टारगेट दिया गया है, तो इसकी हमें योजना बना के भारत सरकार को प्रेषित करनी है। भारत सरकार को योजना प्रेषित करने हेतु ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, ताकि किसान उसी आधार पे अपने प्रोजेक्ट नेबार्ड को सबमिट करें। प्रगतिशील किसान हरप्रीत सिंह का कहना है कि आज की जरूरत है कि किसान प्रोडक्शन से प्रोसेसिंग की तरफ रुख अपनाएं और अपनी उपज का अधिक से अधिक फायदा ले सके। उन्होंने बताया कि इसी आधार पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड और विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई। यहां तक किसान का सवाल है, आज तक जो किसान सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस था, आज का जो दौर है वो उसको प्रोडक्शन से प्रोसेसिंग की ओर ले जाने का है, और इसी संदर्भ में ये सब योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं कि किसान प्रोसेसिंग में अपनी चीजों को धीरे धीरे प्रोसेसिंग की तरफ ले जाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की पाखरू रेंज में टाइगर सफारी की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने जानकारी दी कि टाइगर सफारी में 2 बाड़ों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टाइगर रिजर्व के भीतर 150 करोड़ की लागत से बनने वाली ये इस तरह की देश की पहली टाइगर सफारी होगी। उन्होंने कहा कि टाइगर सफारी का निर्माण कोटद्वार क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के अंदर टाइगर रिजर्व में पाखरों कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये पहली टाइगर सफारी है जो टाइगर रिजर्व में बनने जा रही है। ये 106 हेक्टेयर में बनेगी और इससे केवल उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को लाभ होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के जीव जंतु प्रेमी कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर देखने के लिए पाखरों आएंगे, और इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, उत्तराखंड के रोजगार के सृजन में बहुत बड़ा एक छलांग हम सोचते हैं इस टाइगर सफारी के खुलने के बाद लगेगी। प्रदेश में स्नातक शिक्षा केंद्र कल से खुलने जा रहे हैं। केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना महामारी के बीच सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों को भी खोलने की इजाजत दी गई थी। इसी कड़ी में हरिद्वार में तमाम कॉलेज प्रबंधनों के साथ ही जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि केंद्र की गाइडलाइंस के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन किया जाएगा, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉलेज जो में आने वाले छात्र छात्राएं आपस में दूरी बनाकर पढ़ाई करें और हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही मास्क का उपयोग करें। इसमें जो एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स है वो सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि ताकि सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो, जो बच्चे वहां अटेंड करेंगे वो डिस्टेंसिंग पालन करके बैठे हैं, मास्क पहन करके बैठे हैं, ये सारे बातों पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। SMJNPG कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुनील बत्रा का कहना है कि स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा, साथ ही कक्षाओं की क्षमता के केवल 1/3 छात्र छात्राओं को ही बिठाया जाएगा, ताकि छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हो सके। जो दिशा निर्देश हमारे को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उन सभी दिशा निर्देशों का हमने अक्षरक्ष पालन जो है करना सुनिश्चित किया है। उनको भी हम 3 अलग अलग शिफ्टों में जो है उसमें क्लासेज को जो है हम संचालित कर रहे हैं। उसमें एक लेक्चर हॉल में 20 से अधिक बच्चे जो है नहीं बैठाए जाएंगे। पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड के 2 सबसे ज्यादा मशहूर शहर मसूरी और नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए हाई कोर्ट ने कोविड जांच को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल क्रिसमस और नए साल के दौरान इन दोनों ही शहरों में भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, जिससे इन शहरों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए नैनीताल बॉर्डर बार पत्थर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी से पर्यटकों की जांच करने में जुट गई है। यहां पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही जरूरत के अनुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। ये जो हाईकोर्ट के जो आदेश अनुसार हम जो बाहर से जो गाड़ियां आ रही है उनके जो है सैंपलिंग कर रहे हैं। पहले स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद सैंपलिंग हो रही है। स्क्रीनिंग में जिसका टेम्परेचर रेज हो रहा है उनकी सैंपलिंग हो रही है, और जो रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं देखने के लिए कि लोगों के कोविड का क्या चल रहा है। अभी तक पॉजिटिव तो नहीं आया, अभी तक हमने काफी सैंपलिंग कर ली है, पॉजिटिव कोई नहीं आया, नेगेटिव रिपोर्ट।
सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में आज हजारों तीर्थयात्रियों ने गंगा स्नान किया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ साथ पूजा अर्चना की और अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण भी किया। आज सोमवती अमावस है तो यहाँ पे स्नान किया, दादाजी की अस्थियां विसर्जन की और यहाँ का दृश्य आज बहुत अच्छा है दिखने में और बहुत भीड़ है आज और सभी कोरोना काल में भी मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करके सब स्नान कर रहे हैं। मेरे पिताजी के फूल विसर्जन करने के लिए अमावस्या का बहुत बड़ा पर्व है के कारण स्नान है आज यहाँ पे और यहाँ पे है ना कोविड-19 को देखते हुए अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार में होने वाले पर्वों को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों से अपील की जा रही है कि वो केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही हरिद्वार आने का कार्यक्रम बनाएं। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार और बुजुर्ग लोग, महिलाओं और बच्चों को स्नान पर्वों के साथ साथ भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने में पहले से ही सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। प्रकार का मेजर पर्व है जिसमें काफी लोग आने का संभावना है, उन पर्वों के दिनों पे हम बहुत क्लियरली अपील कर रहे हैं सभी लोगों से कि जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ जो रहते हैं, जो अन्य बीमारियां हैं जैसे शुगर है या हाइपरटेंशन है, बीपी है, इस प्रकार का जो बीमारियों ऑलरेडी अगर किसी को है वो बिल्कुल ना आए और जो 50 वर्ष से जो ज्यादा उम्र वाले वो भी इसको अवॉइड करें और प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे, इस प्रकार का जो वल्नरेबल लोग हैं उनको जो है भारत सरकार ने भी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार का गैदरिंग्स में जो है बिल्कुल भाग ना लें और जो गैदरिंग में आएंगे वो गैदरिंग का जो मानक है, जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजाल ने बताया कि कुंभ से पहले होने जा रहे तमाम बड़े स्थानों को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर लिया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अगले साल होने वाले महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए सोमवती अमावस्या पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और व्यवस्थाएं बनाई गईं। सोमवती अमावस्या स्नान का अपना एक महत्व है, उस महत्व को देखते हुए और कोरोना महामारी के दौरान यह सबसे बड़ा आयोजन है जो कि हरिद्वार में हो रहा है और श्रद्धालु काफ़ी उमड़कर लोग आए हैं और हमारे जो कुंभ में ऑलरेडी जो अधिकारी अभी तैनात है वो अभी जगह जगह व्यवस्थाओं को देख रहे हैं ताकि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है कि बाद में व्यवस्थाएँ किस तरह से की जानी है। सुरक्षा के दृष्टिगत जो हमारे सुरक्षाकर्मी है, प्लेन क्लोज है और बाकी जो CCTV एंड जो हमारे मेटल डिटेक्टर्स है और HHMD DFMD उनका प्रयोग किया जा रहा है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नव नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया अल्मोड़ा पहुंचे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से कई विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि योजनाओं का लाभ लेकर आम और गरीब लोग विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन सके। स्टेट लेवल पर तो बहुत 3-4 योजनाओं को फोकस किया, उसमें से एक तो ग्राम विकास में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नंबर 2 पे जो हमारा पेयजल हर घर नल और हर घर जल, ये हमारा जो चल रहा है ये भी हमारा मिशन मोड पे है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी जो अनुसूचित जाति और जनजाति की योजनाएं तो इनके ऊपर भी हमारा एक फोकस है और स्वास्थ्य विभाग का जो टीकाकरण का है टीकाकरण के ऊपर भी विशेष हमारा फोकस है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। LED लाइट निर्माण करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 के रिवॉल्विंग फंड देने की घोषणा। नाबार्ड ने किया कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वित्तीय सुविधा योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। किसानों को दी उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि ऋण और आधारभूत सुविधाओं संबंधी जानकारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो रेंज में स्थापित होगी टाइगर सफारी। 150 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। 106 हेक्टेयर में विकसित किए जाएंगे पाड़े।
और कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में कल से खुलेंगे कॉलेज। हरिद्वार में कॉलेज प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन ने संभाली कमान। केंद्र और राज्य की गाइडलाइंस के तहत होगी व्यवस्था। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews_उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews_उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।